गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। सब बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन करो, पेज नंबर 52। ये जो पिक्चर दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, कौन बताएगा? सर, सर गैलेक्सी। वेरी गुड एंजेलिका। सर आप मुझे दूसरी वाली साइंस बुक दे दीजिए, मैं टच करके पहचान जाऊंगी। टिफनी, ब्रेल वाली बुक सभी स्कूल में अवेलेबल नहीं है, जब आएगी तब मिल जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर, ये जो सबसे बड़ा प्लैनेट है उसका क्या नाम है? मुझे पता है सर। हर्ष बेटा तुम बताओ। सर प्लूटो। रॉन्ग आंसर। और कोई? टिफनी, जब आपसे पूछा जाए तभी आप खड़े होइए। नाउ सिट डाउन। सॉरी सर। प्लीज राइट डाउन, इस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर। तुम तो देख नहीं सकती, फिर तुम्हें आंसर कैसे पता? देख नहीं सकती, सुन तो सकती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था सबसे बड़े प्लेनेट का नाम है जुपिटर। टिफनी या शरप, क्लास में बातें मत करो। सॉरी सर। सब बच्चे सुनो, कल संडे है और स्कूल की तरफ से सब बच्चे चंद्रगिरी पहुंच जाएंगे पिकनिक पे। बहुत मजा आएगा। हाँ। टिफनी। यस सर। कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पे आराम करो। पर सर मुझे भी पिकनिक पे जाना है। अरे कैसे जाओगी पिकनिक, वहां बहुत पैदल चलना पड़ेगा और रास्ता भी खराब है। माँ तो है नहीं तुम्हारी, और पापा भी कारगिल में ड्यूटी करते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। पर सर यहाँ पर तो चल नहीं पा रही, हमारे साथ जाएगी पिकनिक पर, पूरा मूड खराब करेगी। देखो बेटा, बिना किसी सारे के चलना सीख लो, उसके बाद पिकनिक जाना। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि बिना सारे के तुम जैसे लोग इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, मैं चल सकती हूँ, मैं बिना सारे के चल सकती हूँ। सहारा नहीं लूंगी, मैं हिम्मत करूंगी और मेरे जैसे लोगों का सहारा बनूंगी। किस्मत की डोरी जो बांधी वो खोली, जीने चल सहारा बनूंगी मैं अब जिंदगी। पिंजरा तोड़ के उड़ जाना, और सारी बाधाओं को पार करते हुए टिफनी ने केरला में खुद का मोबाइल ब्लाइंड स्कूल शुरू किया, ज्योतिर्गमया, जिसका लक्ष्य था गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना जिन्होंने अंधेरे को ही अपनी जिंदगी मान लिया था। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। नमस्ते, मैं टिफनी, मैं ज्योतिर्गमया फाउंडेशन से आई हूँ। अच्छा, तो आप है वो जो इस जैसे अंधे बच्चों को शिक्षा देती है। आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहेंगे? अरे क्या सिखाएंगी आप? हाँ पापा, दीदी दीदी सही कह रही है, मैं ना ये क्या किया आपने? आपने उसे मारा? करूं मैं, परेशान हो चुका हूं इस जिंदगी से। आप परेशान मत होइए, आपकी बेटी
को घर से बाहर भेजिए। किसी भी कारण वो नहीं आ सकती, मैं उसे खुद घर पे आके सिखाऊंगी। आपकी बेटी वो सब कर पाएगी जो आज उसके लिए नामुमकिन है। आप जो कह रहे हैं वो सच में हो पाएगा? हाँ। आज से मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आप है। मेरी बेटी को सही रास्ता आप दिखाइएगा। और मुझसे कोई मदद चाहिए होगी तो मैं करूंगा। यही तो नहीं करना है। बेटा इधर आओ। पहला सबक यहीं से शुरू होता है। अपना सहारा खुद बनो। झूठा जग रैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना। जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के मींचते हैं जुदा हुए कदम। जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं नैना। कभी जो धूप सेकते थे नैना, ठहर के छांव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम। जिन्होंने मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। सारी बाधाओं को पार करते हुए टिफनी ने केरला में खुद का मोबाइल ब्लाइंड स्कूल शुरू किया, ज्योतिर्गमया, जिसका लक्ष्य था गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना
जिन्होंने अंधेरे को ही अपनी जिंदगी मान लिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं। टिफनी ब्रार के ज्योतिर्गमया फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास किसी भी स्तर पर कम नहीं है। रॉक क्लाइंबिंग हो, कंप्यूटर या मोबाइल चलाना, ये सब करना टिफनी के स्टूडेंट्स के लिए बाएं हाथ का खेल है। टिफनी को उनकी इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें पूरा देश द करेजियस डॉटर ऑफ इंडिया के नाम से जानता है।